अति उत्कृष्ट कार्य हमारे जनपद उन्नाव की कोतवाली पुलिस के द्वारा और गोरखपुर पुलिस के सहयोग के द्वारा एक बहुत अच्छा गुडवर्क किया गया है, जिसमें कि दिनांक क्या नाम ये 12/11/2018 को एक श्री कृष्ण यादव सन ऑफ राजाराम यादव इसका अपहरण का सूचना हमको इसकी पत्नी गुंजन देवी के द्वारा दिया गया था, जिसमें हमारे द्वारा तत्काल इंस्पेक्टर कोतवाली को मुकदमा पंजीकृत किए जाने का आदेश दिया गया था तथा जो भी कोई हमको इनपुट मिला था उस इनपुट के आधार पर हमने अपनी एसओजी की टीम को सक्रिय किया और उनके द्वारा सर्विलांस का सहारा लेकर के इनका लोकेशन टेस्ट किया गया और गोरखपुर पुलिस की मदद के द्वारा इनको बरामद करने में हमने कामयाबी हासिल किया है। और जो पर्दे के पीछे से टोटल कहानी समझ में आई है वो ये है कि बेसिकली एक गांजा का अवैध कारोबारी था और जो हमने तीन मुलजिम इसमें गिरफ्तार किए हैं ये तीन के तीनों इनमें जो मुख्य है वो करण शंकर गोस्वामी, ये गोरखपुर का रहने वाला है, ये थाना बेलीपार गाँव पिपरी पड़ता वहाँ का रहने वाला है, अवैध गांजे का कारोबार करता है। इसके द्वारा करीब अब से 9 महीने पहले ये सीक्रेट यादव को 1 क्विंटल गांजा 4.5 लाख रुपए में दिया गया था। उसकी रकम अदायगी इसके द्वारा नहीं की गई थी, वो रकम वसूली की नियत से इसको पवन नाम के एक आदमी के द्वारा जो इनका गांजे का ही कारोबारी है करण का, उसके माध्यम से इसको बुलवाया गया था गोरखपुर और वहाँ से फिर इसको अपहरण करके इसी के फोन से इनके परिजनों को धमकाया जा रहा था और एक बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दिया गया था कि उस बैंक के अकाउंट में पैसे का ट्रांसफ़र करें और अब तक लगभग 40,000 रुपये बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी इन्होंने मारे डर के कर दिए थे तथा 80,000 रुपये नकद जो इसका अपहरण था सीक्रेट इसके द्वारा दिया गया था तो वो पैसा भी हम बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। कि पुलिस एसओजी की सक्रियता के कारण से ये एक संगीन घटना होने से बच गई और हमने अपहरण को सफल बरामद किया और मुलजिम को गिरफ्तारी करने में कामयाबी हासिल किया है। हम इनके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट